खुश आमदेद, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ नवीद बिलावल। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आपकी हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत, चीफ जस्टिस का 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने पर इशारे बरहमी। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स में कहा, दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ईसीएल में कैसे डाल दिया, अपने वजीर आला का नाम भी डाल दें। अदालत का आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को इस हफ्ते जवाब जमा कराने का हुक्म। आसिफ जरदारी के वकील ने जाली अकाउंट्स केस में वकालत से माजरत कर ली। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि जीआईटी ने फारूक एच नाइक को मुलजिम बना दिया है। चीफ जस्टिस से इस तरह मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत ने जीआईटी रिपोर्ट की ताहाल तौसीक नहीं की, फारूक एच नाइक को पेश होने से कौन रोक सकता है। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा की ऑडियो टेप का भी नोटिस ले लिया। सिंध में सियासी हलचल तेज हो गई। वजीर इत्तिलात अहम मिशन पर आज कराची पहुंचेंगे। फवाद चौधरी शहर कायद में इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। सिंध में जोड़ तोड़ की खबरों पर पीपल्स पार्टी के कैंपों में खलबली। बिलावल भुट्टो खुद मैदान में कूद पड़े। इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, जी हां, सिंध से हुकूक न मिलने पर चीखें आ रही हैं। ये चीखें अब धाड़ में तब्दील कर रही हैं जो आपकी हुकूमत गिरा देंगी। खुर्शीद शाह बोले, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। वफाकी वजीर अली जैदी का भी भरपूर सियासी वार। कहा, आसिफ जरदारी साहब गेम ओवर। पीपल्स पार्टी के एमपीएस की जानिब से राबितों का दावा। मुशीर इत्तिलात सिंध मुर्तजा वहाब ने बयान मजे का खेज करार दे दिया। जवाबी दावे में कहा, तहरीक इंसाफ के 10 से 15 अरकान हमसे राबिते में हैं। कराची पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी प्लान बना लिया। असलहा लेकर चलने और हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी। वन व्हीलिंग करने और बगैर साइलेंसर गाड़ी चलाने वाले भी हवालात जाएंगे। पंजाब के बालाई इलाकों में धुंध के बायस हादसात बढ़ गए। जहानिया में कॉलेज वैन और ट्रक में टक्कर, दो अफराद जां बहक, 6 जख्मी हो गए। कल से बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, मर्दान समेत कई शहरों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बलोचिस्तान के हलका PB26 कोयटा 3 में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। और बांग्लादेश में एक बार फिर हसीना सरकार। हुक्मरान जमात 300 में से 288 नशिस्तें लेकर हुकूमत बनाने में कामयाब। बंगला टीम के कप्तान मुशरफी मुर्तजा ने भी सीट जीत ली। मारधाड़ से भरपूर इलेक्शन में 17 अफराद हलाक हुए।